हेलो गाइज, वेलकम टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन मैच नंबर 14 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है गाइज। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ऑलरेडी यहाँ से 6-time वर्ल्ड कप चैम्पियन है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन भी काफ़ी इनफॉर्म है इस समय, एक्सेप्ट एक लास्ट मैच इनका छोड़ दें जो इंडिया वुमेंस के अगेंस्ट गया था। टाइमिंग की गाइज इसकी बात करें 3:30 बजे रहेगा रात में अपने टाइम के हिसाब से। वेन्यू गाइज इसका रहेगा वेलिंगटन बेसिन रिजर्व। लास्ट मैच इस वेन्यू पे गाइज हुआ था साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का परसों ही। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं गाइज। वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, वेस्ट इंडीज़ वुमेन नंबर 7 पे, प्लस यहाँ पे 6 times यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस। लास्ट 5 ODI में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 5 के 5 जीते हैं, वहीं वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ और सिर्फ 2 जीते हैं। लास्ट मैच जो गाइज इस वेन्यू पे हुआ था इसी सीज़न यानी परसों, उसमें गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे पेसर्स का थोड़ा ज़्यादा रोल लग रहा है। पहली पारी में पेसर्स को मिले 5 विकेट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर को मिला 1 विकेट और लेग स्पिनर को मिला 1 विकेट। वहीं दूसरी पारी में पेसर्स को मिले 6 विकेट, ऑफ ब्रेक स्पिनर को 2 विकेट और लेग स्पिनर को 2 विकेट। यानी आप देख सकते हैं 6 of 5, 11 यहाँ पर ज़्यादा विकेट पेसर्स को ही मिले थे वेलिंगटन पर। बाकी हो सकता है सामने ऑस्ट्रेलिया थी इसलिए फर्स्ट इनिंग में इतना ज़्यादा नहीं मिला वो टीम्स को, लेकिन कल हो सकता है स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिले, लेकिन पेसर्स फिर भी आगे ही रहेंगे। अब बात करते हैं चैंपियन कौन रहेगा, कल के मैच में कौन जीतेगा, तो इसके लिए आपको प्लेयर्स के बारे में जानना होगा, यहाँ से पूरी वैल्यू लेनी होगी। स्टेफन टेलर की बात करते हैं तो गाइस वेन्यू पे अभी तक नहीं खेला है वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने, लेकिन इस कंट्री में खेला है। अभी रिसेंट इसी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देख लीजिए, 31 और 1 विकेट स्टेफन टेलर का। इस लास्ट मैच में मैंने अपना कैप्टन इसलिए किया था इनको बिकॉज इनसे हाई एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज टीम की कैप्टन है प्लस काफ़ी बढ़िया हिटर है डॉटेन और हेली मैथ्यूज़ की तरह, तो उम्मीदें थी कि विद द बैट अच्छा करेंगी। कल भी मैं इनको बैक करूंगा एज अ कैप्टन स्मॉल लीग में, हो सकता है अच्छा करें बिकॉज अभी तक सिर्फ 30 किया 1 किया और फिर बैटिंग से कुछ नहीं किया, 1 run पर आउट हो गई थी और 1 विकेट यहाँ से निकाला है। चेडेन नेशन काफ़ी सही कर रही है, 36, 49 off 19 लास्ट मैच में, वो तो इंडिया के अगेंस्ट था उसमें पूरी टीम उनकी कोलैप्स हुई थी, लेकिन 2 मैच में काफ़ी अच्छा किया है। आईसीआर नाइट गाइज होता है कुछ प्लेयर्स का सीज़न ख़राब ही जाता है, तो इनका ख़राब ही जा रहा है, 4, 5, 6 ऐसी बारी इनकी तरफ से आ रही है, तो देखते हैं आगे देखने लायक होगा। लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में फिर इनकी जगह आपको यहाँ से कैम्पबेल देखने मिल जाएंगी, शिमाइन कैम्पबेल 20 किया फिर 66 किया फिर 11 किया, यहाँ पे थोड़ा सा अटकी थी लेकिन आगे भी अच्छा कर सकती है। और बात करते हैं यहाँ से शमीला कॉनेल की विद द बॉल, पहले मैच में विकेट लेस फिर 3 विकेट निकाले फिर 1 विकेट निकाला, धीरे धीरे अपनी वो जो है बढ़ा रही है। बाकी यहाँ से देखो राइट आर्म फास्ट है तो इम्पोर्टेंट रहेंगी मैच में। वहीं चेन्नई लैंडी की बात करें, पहले मैच में 8 किया फिर 1 विकेट निकाला और दूसरे मैच में 7 किया, विकेट लेस रही, फास्ट बॉलर है। हेली मैथ्यूज गाइज वन ऑफ द बेस्ट, मेरी फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट में वुमेंस में नंबर टॉप पे आती है हेली मैथ्यूज एज अ नंबर टॉप या नंबर सेकंड पे आप मान लो, मतलब टॉप पे ही आती है। कंसिस्टेंसली परफॉर्मेंस कर रही है, जस्ट 23 years old एंड व्हाट एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, 119 किया पहले मैच में जब हमारी वाइस कैप्टन थी, 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में फिर सब लोग बनाने लगे तो फिर 45 किया फिर 2 विकेट निकाले, फिर 43 फिर 1 विकेट, यानी आपको डिसअपॉइंट कहीं से नहीं कर रही है। ग्रैंड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी आपको देनी ही है। शकीरा सलमान की बात करें, लास्ट मैच सही टच में दिखी थी बट 1 ही विकेट कंसीड कर पाई थी, हो सकता है आगे अच्छा कर सके। कैम्पबेल के बारे में आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी आपके लिए। एलिया लाइनी लास्ट मैच में 1 विकेट फिर 1 विकेट पहले मैच में, उसके पहले विकेट लेस गई थी, हो सकता है फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर्स को कल यहाँ पर थोड़ी मदद मिले, बट सामने भी ऑस्ट्रेलिया है। बात करते हैं डॉटिन की, वन ऑफ द बेस्ट हिटर, पहले मैच में अटकी लेकिन लास्ट ओवर में 2 विकेट लेके पूरा गेम ही चेंज कर दिया था, फिर दूसरे मैच में 31, लास्ट मैच में हमारी कैप्टन थी 62, वाइस कैप्टन थी सॉरी, 62 किया और 1 विकेट यहाँ से निकाला। अनीसा मोहम्मद, नशरा साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, 4 प्लेयर पूजा वस्त्राकर, ये 4-5 बॉलर ऐसे हैं जो कंसिस्टेंसली हमको इम्प्रेस कर रहे हैं, हर मैच हो उनकी कंट्री का इम्प्रेस हमको कर रहे हैं। तो अनीसा मोहम्मद ने भी पहले मैच में 2 विकेट निकाले फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है एक, तो विकेट टेकर है, वाइस कैप्टनसी स्मॉल लीग में भी दे सकते हो, जैसे आज लोगों ने नशरा साधु को दी थी और देखो वो चली, 3 विकेट निकाले उन्होंने, बैटिंग से भी 5-7 run किए थे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की, इस वैल्यू पे परसों ही खेल के आई है एशले गार्डनर,
क्या ही बोलूँ इनके बारे में। तो मतलब आप जो इनकी पारी देखते हैं, शायद 16 रन में कुछ 40-45+ कुछ खेला था इन्होंने। और मतलब ऐसे करी थी कि ग्राउंड में खेल रही हो, ग्राउंड इन्हीं का हो। मतलब बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस था इनका। अगर आप हाईलाइट्स देखोगे परसों के मैच की, और वो भी 15 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद आई थी ये परसों, कल सॉरी। और वो शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ से दी है, 48 किया प्लस 2 विकेट निकाले। मतलब मेरा तो दिल जीत लिया समझ लो। और वार्म अप मैचेस में भी अच्छे टच में दिखी थी। जेस जोनाथन को मैच से ड्रॉप किया गया था कल, बिकॉज ताइला मैगरथ और एशले गार्डनर दोनों ही आ रहे थे। बाकी जेस जोनाथन देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, विद द बैट विद द बॉल दोनों से ही आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दे देती है। अमांडा जेड वेलिंगटन यंग टैलेंट, 24 ईयर्स ओल्ड, राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है। 1 किया 1 रन, फिर 2 विकेट निकाले यहाँ से लास्ट मैच में, यानी कल ही। होता क्या है ना गाइस, देखो मुझे बूस्ट ज़्यादा लगा, ताइला मैगरथ आ गई और यहाँ से एशली गार्डनर आ गई, तो क्या हुआ, टीम का एक मोरल बूस्ट हो गया। तभी आपको मैं आगे एक बताऊँगा। डार्सी ब्राउन का भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था कल का। एलेना किंग 2 किया था लास्ट मैच में विद द बैट, बॉलिंग से नहीं इतना वो था। बाकी गाइस एलेना किंग भी एक इम्प्रेसिव बॉलर है, कंसिस्टेंटली विकेट निकालती हैं, आपके लिए टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो ग्रैंड लीग हो। मैग लैनिंग 5 किया, थोड़ा सा अटक रही है, कैप्टन है टीम की। बाकी काफ़ी कूल प्लेयर है, मुझे बढ़िया प्लेयर लगती है, एकदम चिल्ड आउट प्लेयर है। रैचल सेंस वही लास्ट मैच में 30 किया, लेकिन उसके पहले आप लोगों को पता है यहाँ से इन्होंने 60+ 70+ की पारी खेली थी। तो रैचल सेंस स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी पेरी गाइस, एलिसा पेरी 31 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी क्यूट प्लेयर है ये और काफ़ी मतलब टैलेंटेड प्लेयर है, कंटिन्यूसली इंप्रेस करेंगे। वार्म अप में भी बहुत अच्छा किया, और जो फर्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया में उसका उसमें भी अच्छा किया। लास्ट मैच में इसी वैल्यू पर 68 किया, 1 विकेट निकाला। वार्म अप में भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही कंट्रीब्यूशन दे रही थी। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बहुत ही अच्छी ऑप्शन आपके लिए रहेगी। वहीं बैत मूनी ने 30 किया, बैत मूनी भी बढ़िया प्लेयर है। बैत मूनी, एलिसा हेली थोड़ा सा अटक रही है, लेकिन एलिसा हेली वार्म अप्स में अच्छा किया था और कल आने वाले मैच में बहुत अच्छा कर सकती है, बिकॉज ये अलग ही लेवल के प्लेयर हैं गाइस। ये बैत मूनी हो गई, एलिसा पेरी, एलिसा हेली, मैग लैनिंग, ये सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। एनाबेल सुदरलैंड अभी इतना मौका नहीं मिला टीम में, लेकिन वार्म अप्स में बहुत अच्छा किया था विद द बॉल। बाकी गाइस देखो, मेगान शूट की बात करते हैं, मेगान शूट है इनका नाम, वैसे शूट प्रोनाउंस करते हैं। मेगान शूट ने गाइस 1 विकेट लिया था लास्ट मैच में, लेकिन अगर आप आज के टाइम में वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें, किसी से भी पूछोगे कि आपको किस कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी बॉल पे आपको हिट करना है या चौके छक्के मारने, तो हर कोई इन्हीं का नाम लेगा, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर शी इज़। मतलब हर कोई इनसे थोड़ा सा दबता है और सोचता है कि यार मेगान शूट विकेट टेकर है एक तो, और बॉलिंग भी बढ़िया स्पीड से करती है, फास्ट बॉलर है, तो हर किसी के लिए एक स्पेशल प्लेयर टू वॉच आउट यही रहती है हर टीम्स के बैटर्स के लिए, कि मेगान शूट से थोड़ा सा या तो हम उनको हिट कर देंगे या फिर उनसे थोड़ा सा बच लेंगे, ये सीन रहता है। बाकी ताइला मैगरथ गाइस, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी उतनी कम है, चाहे वो बिग बैश लीग हो, वुमेंस बिग बैश लीग हो, हंड्रेड्स हो, टीम के लिए हो, कंट्री के लिए हो, अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही हो। मतलब बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर, ब्राइट ऑलराउंडर साबित होने वाली, 26 ईयर ओल्ड। वार्म अप में बहुत सॉलिड टच में दिखी थी, और कल आते ही साथ इन्होंने देखो 57 किया प्लस 1 विकेट यहाँ से निकाला, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर है, 5 से 6 ओवर भी आपको डालते दिखेंगी। वहीं डार्सी ब्राउन 19 ईयर्स ओल्ड, इनका बर्थडे था अभी लास्ट वीक, वार्म अप में अच्छा किया था। वार्म अप में क्या इनको विकेट नहीं मिले थे, लेकिन रन्स भी इतने नहीं पिटवा रही थी, और कल के मैच में तो अलग ही कॉन्फिडेंस, 3 विकेट इन्होंने यहाँ से निकाले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और जो वुमेंस बिग बैश लीग था उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, इसलिए मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि मतलब बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, इनको बैक करो, वाइस कैप्टनसी भी दो तो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। वहीं गाइस प्लेयर्स के बारे में आपको मोस्ट ऑफ द वैल्यू बता दी है, फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ रह गया हो या आपको कुछ जानना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। बाकी गाइस बात कर लेते हैं यहाँ से विनिंग परसेंटेज की, तो देखो एक्सपर्ट्स का विनिंग परसेंटेज जो अभी आ रहा है वो है 91% फॉर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस, 9% फॉर यहाँ से वेस्ट इंडीज़ वुमेन। लेकिन BFT का जो प्रेडिक्शन है वो है फैंटेसी के अकॉर्डिंग, तो जो 25-30% फाइट है वो यहाँ से वेस्ट इंडीज़ वुमेन भी देंगी, बिकॉज दे हैव गुड बॉलिंग, बॉलिंग भी उनके पास बढ़िया है, बैटर भी है कुछ, बट डिपेंड वही करता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो पेस अटैक है, जो लाइन है ना ऑस्ट्रेलिया के पास, जो जिस लेंथ पे ये लोग बॉलिंग करते हैं,
बहुत सॉलिड है वो। तो अब देखना ये है कि वेस्ट इंडीज़ इनको किस तरीके से कोप करती है, एंड आई होप कि मैच वन साइडेड ना हो, भले ही वो कितनी भी बड़ी टीम हो, मैच वन साइडेड कभी नहीं होना चाहिए। मैच में हमेशा दोनों ही टीम को इक्वल फाइट देना चाहिए, फिर हार और जीत तो पूरी परफॉर्मेंस पे एट द एंड डिपेंड करती है। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कर लेना। स्पोर्ट्स की भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे 1.5 लाख रुपये का लीडर बोर्ड चालू है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो वहाँ से फ्री की। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना अगर कुछ आपको पूछना हो तो। थैंक यू।